तो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो थर्ड सीजीएल का एग्ज़ाम नवंबर में निर्धारित है, अक्टूबर नवंबर में, उसकी रिगार्डिंग हम लोग सामान्य अध्ययन को डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल्स पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद पड़े तो कृपया करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है। तो जो हुन आक्रमण है इसकी जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो यह जो है एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की मंदिरों की कला की शैली निम्न में से है। क्वेश्चन है, उत्तर भारत की मंदिरों की कला की शैली निम्न में से है। तो उत्तर भारत की जो मंदिरों की कला की जो शैली है वह किस प्रकार की है, तो वह है नागर शैली। अगर यही दक्षिण भारत की बात करता तो आपका हो जाता द्रविड़ शैली, लेकिन यहाँ पे बात किया है उत्तर भारत की तो नागर शैली हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, 2021-22 में प्राप्त जीआई टैग्स के लिए सही मिलान करना है। आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, जो जीआई टैग्स है उसको सही मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जीआई टैग्स से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरा फूल चावल का संबंध जो है किस राज्य से है। तो जीरा फूल चावल का संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है। जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है मिही दाना मिठाई। तो जो मिही दाना मिठाई है उसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। मिही दाना मिठाई का संबंध पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, उसके बाद है सिलाव खाज का संबंध जो है वह बिहार से है। ठीक है, सिलाव खाजा का संबंध जो है बिहार राज्य से है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे सिरसी सुपारी का संबंध जो है कर्नाटक से है। ठीक है, सिरसी सुपारी कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यह जीआई टैग जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है तेजपुर लीची। क्वेश्चन है, तेजपुर लीची का संबंध जो है असम राज्य से है। तेजपुर लीची का संबंध जो है असम से है। ठीक है, एक बार फिर से जीआई टैग को देख लेते हैं। जीरा फूल चावल के लिए जीआई टैग जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, फिर है मिही दाना मिठाई इसका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। सिलाव खाजा का संबंध बिहार राज्य से है। सिरसी सुपारी की बात करेगा यह कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा। और तेजपुर लीची की बात करेगा तो तेजपुर लीची का संबंध असम राज्य से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, औरंगाबाद जिला जो कि महाराष्ट्र में है का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जो औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र में उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो इसका जो है नाम बदल करके जो औरंगाबाद है
संभाजी नगर कर दिया गया है, ठीक है। औरंगाबाद जिला का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस है, जवाहरलाल नेहरू रोड जो सिक्किम में है, जवाहरलाल नेहरू रोड जो सिक्किम में है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है। जो जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम में था, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शंस सी हो जाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। आपसे एक भी ये भी क्वेश्चंस पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू रोड जो है कहाँ में स्थित थी, तो यह सिक्किम में है, जिसका नाम बदल करके वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है। जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं वह भारत को किससे अलग करती है। तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वह कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर भारत से गुजरती है, मतलब भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कह रहा है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इब्न बतूता द्वारा लिखा गया रेहला में किस सुल्तान की जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ तो एक क्वेश्चन बन गया, रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो रेहला पुस्तक है, इसके लेखक है इब्न बतूता। लेकिन इब्न बतूता जो जिसने रेहला पुस्तक को लिखा है, उस पुस्तक में किस सुल्तान की जानकारी मिलती है। तो उस सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। उस सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने मोहम्मद जिसका जिक्र जो है मोहम्मद बिन सॉरी इब्न बतूता के रेहला पुस्तक में किया गया है, ठीक है। तो इब्न बतूता के रेहला पुस्तक में किस सुल्तान का वर्णन किया गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रमुख दरें दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे मैच करने हैं, भारत के प्रमुख दरे का मिलान आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन से नाथुला दरा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो, नाथुला दरा का संबंध किससे है। नाथुला जो है यह आपको सिक्किम राज्य में है, नाथुला सिक्किम राज्य में है, ठीक है। उसके बाद है बोमडिला दरा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है। तुजू दरा मणिपुर में है, तुजू दरा जो है मणिपुर में है। लिपुलेख दरा उत्तराखंड राज्य में है। सिपकिल्ला जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लेंगे, नाथुला दरा जो है यह सिक्किम राज्य में है, बोमडिला दरा अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू दरा मणिपुर में, लिपुलेख दरा उत्तराखंड में, और जो सिपकिला दरा है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो यह जो पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है, यह दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, त्रिवेंद्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? यहाँ पे साफ साफ लिखना चाहिए था, निम्न में से कौन सी, सॉरी, ठीक है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो यह जो फोर्टोन जो है, वैज्ञानिक साइंटिफिक कंप्यूटर भाषा है, फोर्टोन, फोर्टोन, ठीक है, कोबोल भी है, लेकिन यहाँ पे बात किया है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा की, तो फोर्ट्रॉन जो है यह वैज्ञानिक साइंटिफिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग करते हैं? जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है, उसमें किस पद्धति का उपयोग किया गया है, किया जाता है? तो इसमें बाइनरी यानी द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग करते हैं? द्विआधारी अंक पद्धति यानी बाइनरी डिजिट प्रोसेस का हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से, रैम का पूर्ण रूप क्या है? आपको यहाँ पे रैम का फुल फॉर्म बताना है। तो रैम का जो फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन से, सीपीयू का अर्थ क्या है? सीपीयू का अर्थ यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ भी आईबीएम का आपको फुल फॉर्म बताने हैं। तो आईबीएम का जो फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ठीक है, आईबीएम का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग के खेल परिसर क्या कहलाता है? जो साइकिलिंग है उसके खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो साइकिलिंग के जो खेल परिसर होता है उसको वेलोड्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेलोड्रम कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन देखो आप। आइस हॉकी के खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? जो आइस हॉकी है, एक प्रकार की खेल है जो बर्फ पे खेली जाती है, तो आइस हॉकी के खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो जो आइस हॉकी है उसके खेल परिसर को जो है हम लोग रिंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिंक। आइस हॉकी के खेल परिसर को हम लोग रिंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखो। बिशप शब्द किस
किस खेल से संबंधित है? जो बिशप शब्द है उसका संबंध किस खेल से है? तो बिशप का संबंध जो है शतरंज से है, ठीक है। बिशप बिशप शब्द जो है वह शतरंज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? एक समिति थी सुंदर राजन समिति, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध पेट्रोलियम से है, ठीक है। सुंदर राजन संबंध समिति का जो संबंध है वह पेट्रोलियम से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से, कुंडन कुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडन कुलम परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। कुंडन कुलम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था यह था पृथक निर्वाचक प्रणाली, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कब आया था, ठीक है। आपको ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था उसमें किस बात का प्रावधान किया गया था? तो उसमें जो है प्रांतों में दोहरा शासन की व्यवस्था की गई थी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 ईस्वी में आया था, इसमें प्रांतों में दोहरा शासन का प्रावधान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखो। क्वेश्चन से, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जो है अयोध्या कैंट कर दिया गया है, ठीक है। वर्तमान समय में फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट कर दिया गया है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन हो जाएंगे बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यहाँ पे आपको सुमेलित करने हैं, सही मिलान आपको करने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब देखो। 87 क्वेश्चन से, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। तो जो महारानी विक्टोरिया है उसको भारत की सामग्री घोषित किया गया, ठीक है। कब किया गया था? तो यह जो किया गया था, यह किया गया था आपको 1876 ईस्वी में किया गया था। महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? 1876 में किया गया था, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो जाएंगे फर्स्ट का, ठीक है, ए का। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था वह कब हुआ था? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1892 ईस्वी में।
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। जो गवर्नर जनरल है उसके कार्यकारिणी परिषद का जो विस्तार किया गया था 1861 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1861 ईस्वी का परिषद अधिनियम में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको औपचारिक रूप से भंग कब कर दिया गया था? तो इसको औपचारिक रूप से भंग जो किया गया था 1873 ईस्वी में कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब कर दिया गया? 1873 ईस्वी के अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, तो यह जो किया गया था 1919 ईस्वी में किया गया था भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग का गठन 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अकॉर्डिंगली किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, तो यह जो था 1858 ईस्वी में सौंप दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 आप देखो, 93 में है, यहाँ पे माफ करना, यहाँ भारत लिखा हुआ है। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत में जो सचिव पद है वह जो है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। ठीक है, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव पद निर्मित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 देखो, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, मतलब कब किया गया था? तो यह जो है किया गया था आपको 1935, ठीक है, 1935 के अकॉर्डिंगली संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो एक बार फिर से क्वेश्चंस को आप देख लो, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो यह था भारत शासन अधिनियम 1935, जिसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था?
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार जो है वह क्या था? यह था प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखो। क्वेश्चन से भारत में संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? क्वेश्चन से भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो वह था 1935 के भारत सरकार भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखें, 98 कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहां पे देखो मार्ले मिंटो सुधार जो है इसका संबंध सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से था, जो सही है। फिर है सेकेंड ऑप्शन बी में भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध जो है स्वशासन से था, ये भी सही है। थर्ड है सी ऑप्शन कैबिनेट मिशन, इसमें संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है साइमन कमीशन, जिसमें भारत का विभाजन, यह गलत है। साइमन कमीशन जो है इसमें भारत के विभाजन की बात नहीं थी, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी यह मतलब गलत है, बाकी ये सारे के सारे सही है। तो आपको इसमें सुमेलित नहीं है तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, साइमन कमीशन, जो जिसका संबंध भारत विभाजन से नहीं था। ये तो भारत को एक करने से था ना, इसमें जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था ना। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, क्वेश्चन से अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। क्वेश्चन से अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो यह जो था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके अंतर्गत जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। देखो आप सुमेलित करना है, ऑप्शन सी में है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका जो संबंध था भारत सरकार अधिनियम 1919 का संबंध जो था यह था प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, एक का थर्ड हो गया। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका संबंध प्रांतीय स्वायत्ता से था। ठीक है, थर्ड है मिंटो मार्ले सुधार 1909, इसका संबंध जो था ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार 1909 का संबंध जो है यह सांप्रदायिक निर्वाचन से था। मिंटो मार्ले सुधार 1909 का संबंध जो है सांप्रदायिक निर्वाचन से था। ठीक है, फिर है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट देखो भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसमें सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसके द्वारा सती प्रथा को अंत किया गया था। फिर है भारत परिषद अधिनियम 1858, इसमें जो है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी। ठीक है, फिर है
भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें प्रांतीय स्वायत्ता की बात कही गई थी। थर्ड है मिंटो मार्ले सुधार 1909, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। ठीक है, उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसमें सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे। ठीक है, बी। तो फ्रेंड्स ये टोटल इस सेशन में 50 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।